हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ इंपोर्टेंट नोटिस आ चुका है, जैसे कि आप इधर देख रहे हो स्क्रीन पे कि FY BA FY BF सेम वन सेम टू FY BCOM सेम वन सेम टू का टाइम टेबल आ चुका है। यस दोस्तों, तो मैं आपको टाइम टेबल पूरा बता देता हूँ क्या है और क्या नहीं है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम टेबल बताने के पहले आप लोगों को बता दूं कि आपका जो एग्जाम टाइम है वो सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक का है। आप इन 9 से लेके 6 बजे के बीच में कोई भी 1 आवर्स आपको जो अच्छा लगे आप वो 1 आवर्स पे एग्जाम दे सकते हो। देन उसके बाद थर्ड नोटिस पे उन्होंने बहुत साफ साफ बोला है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो शाम को 6 बजे इनका पोर्टल बंद होने वाला है, एग्जाम का पूरा हर एक चीज बंद होने वाला है, तो कुछ स्टूडेंट 5:30 पे लॉग इन करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ जो टाइम मिलेगा वो हाफ एन आवर मिलेगा, क्योंकि 6 बजे मुंबई यूनिवर्सिटी का पोर्टल बंद हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो उस बेस पे आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसा टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है कि जहां आपको 1 आवर्स आराम से मिल जाए। देन दोस्तों, बात कर रहे हैं टाइम टेबल की, तो जो FY BCOM के सेम वन के स्टूडेंट है उनका पेपर चालू हो रहा 18 अगस्त वेनसडे के दिन से। टाइमिंग सभी पेपर के लिए टाइमिंग सेम है, 9 से लेके 6 बजे के बीच में। पहला पेपर जो है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, देन 19 तारीख को छुट्टी है, 20 अगस्त के दिन फिर से आप लोगों का एग्जाम है बिजनेस इकोनॉमिक। मैं टाइम नहीं बता रहा बिकॉज सभी का टाइम सिमिलर है। देन 21 अगस्त के दिन फिर से आपका एग्जाम है फाउंडेशन कोर्स, 75 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, ठीक है, सेम वन के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। 23 अगस्त को फिर से आपका एग्जाम है कॉमर्स का, 24 को है इन्वायरमेंट स्टडी, 25 को है मैथमेटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक, 26 को है दोस्तों अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, एंड 27 को जो आपका इंटरनल है अपना फाइनेंस ये फाउंडेशन कोर्स का 25 मार्क्स का उसका पेपर होगा। ये था सेम वन के स्टूडेंट की। अब बात करते हैं सेम टू के स्टूडेंट की, ठीक है दोस्तों। सेम टू के लिए भी सेम गाइडलाइन है, FY BA के स्टूडेंट के सेम वन सेम टू के लिए भी सेम गाइडलाइन है। अब बाद में आती है 18 अगस्त को सेम टू के स्टूडेंट का पेपर जो होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, 20 अगस्त के दिन होगा बिजनेस इकोनॉमिक, 21 अगस्त के दिन होगा फाउंडेशन कोर्स 75 मार्क्स का। देन दोस्तों उसके बाद नीचे आ जाते हैं, 23 अगस्त को दोस्तों फिर से आपका कॉमर्स 2 का पेपर होगा, 24 अगस्त के दिन दोस्तों इन्वायरमेंट स्टडी पेपर 2 का एग्जाम होगा, 25 अगस्त को आपका मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजिक सेम टू, ठीक है पार्ट टू बोल रहा हूँ या सेम टू बोल रहा हूँ मतलब पेपर टू वही बात होगी। 27 को फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम होगा जो 25 मार्क्स इंटरनल था। मतलब अगर देखने जाओ सेम वन सेम टू का टाइम टेबल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ बस इधर सेम वन का एग्जाम है उधर सेम टू का, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बीए, बीए में भी सेम ही इसी तरीके से है दोस्तों, सेम गाइडलाइन जो मैंने उन्हें बताया वही सेम गाइडलाइन दोस्तों आप लोगों के लिए भी है। देन दोस्तों आपका टाइम टेबल भी सेम 18 अगस्त के दिन से चालू होता है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इसका पेपर है। देन 20 अगस्त के दिन दोस्तों आपका लैंग्वेज है मराठी उर्दू हिंदी फ्रेंच जो भी आपका लैंग्वेज है। 21 अगस्त के दिन दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स का पेपर है जो 75 मार्क्स का है क्योंकि आप सेमेस्टर पैटर्न के स्टूडेंट हो। 23 के दोस्तों आपको इधर इतने सब्जेक्ट दिख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से, मराठी हिंदी उर्दू फ्रेंच फिलोसॉफी साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री पेपर वन, ठीक है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ज्योग्राफिकल पेपर रूरल डेवलपमेंट पेपर वन, ये पेपर वन की बात हो रही है दोस्तों। और याद रखना है कि आपको आपका सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इधर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है या कोर्स कोड दिया हुआ है आपके हॉल टिकट में आपको पता चल जाएगा, या तो जब आपने एडमिशन करवाया था उसके सीट पे आपको सब्जेक्ट कोड नहीं होगा तो कोर्स कोड जरूर होगा, तो आप उससे फाइंड कर लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन से तारीख के दिन है अगर कोई स्टूडेंट मतलब कंफ्यूजन है। 24 को दिन भी सेम जो मैंने ऊपर सब्जेक्ट के नाम बताए वही सेम सब्जेक्ट के नाम है, सिर्फ आपको इधर कोड से पता करना है कोर्स कोड जो भी है या सब्जेक्ट कोड है कि आपका कौन सा पेपर है। देन आपका 25 अगस्त के दिन भी सेम पेपर वही ऊपर के जितने भी सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं, ठीक है इधर आपको सब्जेक्ट को नाम लिखे हुए अपना फाउंडेशन जो भी आपके होंगे आपको ये सब्जेक्ट कोड से आपको पता करना है। 26 के दिन आपका लास्ट पेपर होगा, FY BCOM वालों का 27 था आपका 26 है, लास्ट पेपर है फाइनेंशियल कोर्स अकाउंटिंग का जो 25 मार्क्स का इंटरनल पेपर है।
ठीक है दोस्तों। तो ये था FYBA और FYBCOM के स्टूडेंट को लेके, ठीक है। जैसे ही और भी अपडेट आएगा दोस्तों, मैं डेफिनेटली आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।